लेट्स कंटिन्यू विद द क्लास हाउनाट टॉक अबाउट आयनाइजेशन ऑफ वाटर ठीक है हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे थे रिमेंबर दैट एंड वी डिस्कस सडन बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इट ठीक है ध्यान में रखना है कि इवन दो वी आर टॉकिंग अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम लेकिन जो केमिकल इक्विलिब्रियम के जो कॉन्सेप्ट थे जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउ द इक्वलीब्रियम एक्चुअली सेट्सअप Uh, how the ली शटलीस principle is applicable, okay? तो ये सारे चीज़ें इस सेक्शन uh, में भी applicable है ठीक है यहाँ पे सिर्फ अपन आयनिक compounds के बारे में डिस्कस कर रहे हैं दिस इज आयनिक इक्विलिब्रियम ओके सो लस कंटिन्यू We have ionization of water, ठीक है वाटर जो है आयनाइज़ होता है यू गेट एच प्लस एन ओ एच माइनस आय राइट ये आपने को मालूम है ना ऑबियसली देर इज इक्विलिब्रियम, राइट क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है वाटर का लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिसोसिएशन नहीं होता ओके इट्स नॉट लाइक दिस दिस गोज हंड्रेड परसेंट इट्स एक्चुअली अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इसका डिसोसिएशन होता है वी ऑलरेडी नो दैट एक्चुअली इट सो वी विल राइट अ इक्विलिब्रियम इक्वेशन फॉर दिस ओके सो जैसा अपन हमेशा लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे के सी इज इक्वल टू एच प्लस आयन एन कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई वाटर अब यहाँ पे देखो ये जो टर्म है राइट right? दैट टर्म इज लिक्विड लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन अपन कितना लेते हैं ओके इज इक्वल टू वन अपन जनरली लिखते हैं नहीं है राइट एंड कैन से इज कि जब ये इक्विलिब्रियम हो रहा है जैसे वी टूक से वन मोल ऑफ वाटर सो वन मोल ऑफ वाटर इज यू नो अप्रॉक्सीमेटली एटीन एम एल ठीक है एटीन एम एल ऑफ वाटर लिया तो उसमें से कुछ जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो डिसोसिएट होंगे इस तरह से वो आयनाइज होंगे ठीक है लेकिन मोस्ट ऑफ द वाटर इज गोइंग टू बी एज इट इज

के सी टाइम्स बी इज बेसिकली अ न्यू कॉन्स्टेंट इसको के डब्ल्यू बोलेंगे अपन और के डब्ल्यू इज इक्वल टू फिर बचा रहेगा अपना राइट हैंड साइड में एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन एंड ओ एच माइनस आइन कॉन्सेंट्रेशन ओके सो बेसिकली के डब्ल्यू को अपन बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या बोलते हैं इसको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ठीक है ध्यान में रखना के सी क्या है के सी इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट वेन यू यूज कॉन्सेंट्रेशन केपी क्या है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट

हालांकि मैंने इसको प्योर वाटर का बोला है इट्स नॉट नेसेसरि ट्रू फॉर प्योर वाटर की इट्स ओनली अप्लीकेबल टू प्योर वाटर इट्स ओनली इट्स अप्लीकेबल बेसिकली फॉर एनी सोल्यूशन ठीक है इन एनी सोल्यूशन क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर हमने क्या बोला था के सी के पी अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हैं अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रखते हैं तो के सी और के पी क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा यही बोला था ना अपन ने राइट के सी एंड के पी विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट एज फार एज द टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट ठीक है अब जब वाटर की बात कर रहे हैं तो हम टेम्परेचर सेट करते हैं ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस समझ लो ये बात को अच्छे से क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल एक कन्फ्यूजन रहता है कि हाउ इज के डब्ल्यू कॉन्स्टेंट ठीक है ना हमने टेम्परेचर सेट कर दिया ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ना वॉट एवर यू डू एट दैट टेम्परेचर के सी के पी एंड के डब्ल्यू दिज आर ऑल गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट फॉर एनी पर्टिकुलर रिएक्शन कोई भी रिएक्शन ले लो ठीक है ना हेबर प्रोसेस ले लिया उसके लिए या तो तुम के सी निकालो या केपी निकालो ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा एजेंटेड उसी तरह से वाटर का अगर मैंने इक्वेलिब्रियम ले लिया तो वाटर का इक्विलीब्रियम ये वाला हो गया एजेंटेड वाटर का इक्विलीब्रियम ये वाला हो गया अब इसमें मैंने कोई एसिड डाल दिया कोई बेज डाल दिया कोई कंपाउंड डाल दिया जिसके वजह से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा बराबर है इक्वलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा लेकिन के डब्ल्यू का वैल्यू जो है वो तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा ना इज इट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट जस्ट द वे के सी एंड के पी आर गोइंग टू बी दीज आर ऑल इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स ठीक है अलग अलग सिचुएशन में अपन अलग अलग सब लेटर्स उसको दे रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन यूज कर रहे तो सी सी uh, दे रहे उसको प्रेशर यूज कर रहे तो पी दे रहे वाटर के लिए डब्ल्यू दे दिया ठीक है तो वाटर के लिए जब भी अपन H प्लस और OH एच माइनस आयन यूज़ करते हैं ओके किसी भी एक्यूएस मीडियम में वाटर रहेगा तो उसमें कुछ H प्लस रहेगा कुछ OH एच माइनस रहेगा किसी भी एक्यूएस मीडियम में ठीक है तो ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा एट 25 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सिमेटली वन इंटू टू द पावर माइनस फोर्टीन समझ में आया क्या मोल्स स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर इसका यूनिट भी रहेगा आपने देखा यूनिट कैसा निकाल दे के का राइट right? इसका कॉन्सेंट्रेशन uh, का यूनिट है मोलैरिटी या मोल्स पर लीटर स्क्वायर कर दो उसका मोल स्क्र पर लीटर स्क्वायर ठीक है बट दैट इज द वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ऑफ के डब्ल्यू ओके एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी एक्यूएट सोल्यूशन ध्यान में रखना एनी एक्यूएस सोल्यूशन यू कैन टेक अ स्ट्रॉग एसिड इसमें बहुत सारे एच प्लस है राइट और वीक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस वट एवर यू टेक राइट जो प्रोडक्ट रहेगा एच प्लस आयन कॉन्सनट्रेशन का और ओ एच माइनस आयन कॉन्सनट्रेशन का ये हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा ओके और ये कैसे कॉन्सटेंट रहेगा ये भी अभी अपने को समझ में आना चाहिए ठीक है अब जैसे मान लो कि मैंने कोई एसिड ऐसी इसमें डाल दिया इस पानी में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया एसिड डाल दिया तो क्या हो गया एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा बैकवर्ड्स में सो so दैट जो एडेड एच प्लस है वो न्यूट्रलाइज um, हो जाए इज इट जो एडेड एच प्लस है वो न्यूट्रलाइज हो जाए ओके द वाटर विल टर्न एसिडिक वाटर किस तरह से एसिडिक आता है ये अपन हमें आगे देखेंगे थोड़े न्यूमेरिकल्स भी करेंगे उसको समझने के लिए वाटर विल भी एसिडिक लेकिन जो जो इक्विलिब्रियम है वो बैकवर्ड चले जाएगा अंडरस्टूड अंडरस्टूडे कहिए ओके इक्विलिब्रियम बैकवर्ड चले जाएगा इस तरह से कि अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लेता हूँ तो ये हमेशा कितना आएगा वन इंटू टू द पावर माइनस फोर्टीन इसको अपन बोलते हैं के डब्बू के डब्ल्यू की वैल्यू फिक्स्ड है वन इंटू टू द पावर माइनस फोर्टीन एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस राइट इसको अपन क्या बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ओके आयनिक प्रोडक्ट ये समझ में आ रहा है आयनिक प्रोडक्ट वाटर में कितने आयनस होते हैं एच प्लस और व एच माइनस आयन उनके कॉन्सनट्रेसन का प्रोडक्ट बोले तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर ओके सो के डब्ल्यू इज दैट अप्रोक्सीमेटली लेकिन दिस इज कैसे एक्जैक्ट वैल्यू लेकिन अप्रोक्सीमेटली अपन लेते हैं वन इंटू टू द पॉआर माइनस फोर्टीन मोल स्क् पर लीटर स्क्वायर ठीक है तो दैट इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ के डब्ल्यू एंड दैट इज गोइंग टू बी द केस ऑलवेज एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ध्यान में रखना अब अगर मैं वाटर लेता हूँ मान लो प्योर वाटर ले लिया ओके प्योर वाटर तो प्योर वाटर में एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज़ इक्वल टू ओ एच माइनस आइन कॉन्सन्ट्रेशन ये दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा सेम रहेगा प्योर प्योर वाटर में न्यूट्रल वाटर रहेगा तो अगर किसी भी न्यूट्रल सोल्यूशन में देखा जाए तो एच प्लस इज इक्वल टू ओ एच माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन हमेशा के लिए अगर ऐसा सिचुएशन है तो वी नो कि एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स ओ एच माइनस आइन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू वन इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर्टी इज इट इट विच इज इक्वल टू के डब्ल्यू और राइट right. मतलब कि ये दोनों अगर सेम है ठीक है दोनों अगर सेम है तो किसी भी एक का कॉन्सनट्रेशन अगर निकालना है मेरे को तो क्या बोलूँगा मैं अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू ओके अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू बोले तो कितना आ जाएगा वन इंटू टेन टू द पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर मतलब कि प्योर वाटर में वेदर यू टॉक अबाउट एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन और ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा वैल्यू हमेशा वन इन टू टेन टू द पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर ओके दैट इज़ द अमाउंट ऑफ Uh, एक लीटर अगर पानी लिया मैंने तो उसमें टेन टू द पावर माइनस सेवन मोल्स ऑफ एच प्लस रहेंगे टेन टू द पावर माइनस सेवन मोल्स ऑफ ओ एच माइनस आयन रहेंगे ठीक है टोटल मोल्स कितने रहते हैं एक लीटर पानी में एक लीटर पानी में टोटल मोल्स होते हैं फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव ओके सो अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव बोल दो इसको ठीक है इतने मोल्स होते हैं एक लीटर पानी में मोल्स अपन ने एक लीटर पानी के आसानी से निकल लेते ले एक लीटर पानी का डेंसिटी अगर अपन वन लेते हैं तो वन के हो गया डिवाइडेड बाय मोलिकुल मास मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास अपने को मोल्स मिल रहे फॉर वन लीटर अब इतना सारा पानी है अपने पास इतने सारे मोल्स हैं। उसमें से सिर्फ वन इंटू टें टू तो द पावर माइनस सेवन मोल्स ऑफ एच प्लस और ओ एच माइनस रहेंगे ओके मतलब इतने मोल्स डिसोसिएट होंगे ध्यान में रखना इतने मोल्स है अपने पास और इतने मोल्स ऑफ वाटर डिसोसिएट होंगे इज इट इड सो यू कैन सी दैट द डिसोसिएशन ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज एक्सट्रीमली लो इट्स निग्लिजिबल अपन निग्लिजिबल बोल सकते हैं ना दिस डिसोसिएशन इज निग्लिजिबल मतलब मोस्ट ऑफ द वाटर इज एक्चुअली अनडिसोसिएटेड अनआयनाइज्ड क्लियर है ये जो डिसोसिएशन ऑफ वाटर है दैट इज एक्चुअली एंडोथर्मिक इस तरह से डिसोसिएट हो रहा है वाटर अपन सिंपल में दिखा रहे हैं पूरा रिएक्शन नहीं दिखाते रिमेंबर ओके वी आर शोइंग इट इज़ एच प्लस आयन एंड एन एवरी थिंग इज बेसिकली दिस इज लिक्विड दिस इज एक्स एंड दिस इज़ ऑल्सो एक्स ठीक है तो ये जो प्रोसेस होता है दैट इज़ एंडोथर्मिक ठीक है अब एंडोथर्मिक प्रोसेस अगर है और इसको अगर मैं हीट करता हूँ इस प्रोसेस को अगर हीट करता हूँ मतलब पानी को हीट करता हो तो डिसोसिएशन कहाँ जाएगा राइट हैंड साइड में जाएगा इज एट एड एंडोथ रिएक्शन को जब मैं हीट करता हूँ तो रिएक्शन गोज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब हो क्या रहा है कि टेम्परेचर के साथ डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज एक्चुअली इंक्रीजिंग इज इंट एड टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो डिसोसिएशन ऑफ वाटर क्या हो जाएगा इंक्रीज़ हो जाएगा सो के डब्ल्यू जो है ओके दैट वैल्यू इज इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट वैल्यू और ये चेंज हो रहा है विथ टेम्परेचर है तो कोई नई बात नहीं है ठीक है सो के डब्ल्यू इज आयनाइजेशन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इट आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर बोलेंगे इसको आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर दिस विल चेंज विथ टेम्परेचर ओके तो यहां पे ध्यान में रखना टेम्परेचर अगर मैंने इंक्रीज किया तो के डब्ल्यू भी इंक्रीज होगा समझ में आ रहा है क्या क्योंकि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है ऑन द राइट हैंड साइड विद टेम्परेचर तो इसका मतलब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ओ एच माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गए तो के डब्ल्यू भी इंक्रीज हो जाएगा ओके विथ टेम्परेचर क्लियर है क्या दिस इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ओके टेम्परेचर जब भी अपन वाटर uh, को लेके जो भी अपन बात करते हैं दैट इज ऑलवेज एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हर चीज़ जो है वो शिफ्ट हो जाती है द एंटायर स्केल गेट शिफ्टेड ठीक है हमारा स्केल ही शिफ्ट हो जाएगा राइट फॉर प्योर वाटर ऑब्वियसली H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एच माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन इसलिए जो प्योर um, वाटर है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है दोनों का ओके प्योर वाटर में दोनों का कॉन्सेंट्रेशन होता है वन इंटू टू द पावर माइनस सेवन मोल्स पर लीटर ओके दोनों का कॉन्सेंट्रेशन इतना होता है अगर मैं एसिडिक सोल्यूशन लूंगा तो उसमें एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहेगा ओ एच माइनस आइन कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा एसिडिक वाटर में ठीक है तो इसका मतलब है एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी मोर देन टेंट टू द पावर माइनस सेवन मूल्स प लीटर ठीक है एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन अगर इससे ज़्यादा है तो ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इससे कम है इज इट रेट इसलिए ये सोल्यूशन जो रहेगा वो एसिडिक रहेगा ठीक है इन एनी केस ठीक है डिजेंट मैटर वॉट यू हैव ठीक है अगर मान लो टेम्परेचर इज ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ओके एंड मेन इवन इफ यू टॉक अबाउट एसिडिक सोल्यूशन जिसमें एचुअलस एंड कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन टू टेंपोर माइनस सेवन इसका मतलब ओ एच माइनस एंड कॉन्सेंट्रेशन लेस देन टेन टू दुपर माइनस सेवन ठीक है लेकिन के डब्ल्यू चेंज नहीं होगा डब्बल्यू के लिए अभी भी प्रोडक्ट ऑफ एच प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन एंड ओ एच माइनस ऑन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ वन इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर्टीन ये कॉन्स्टेंट रहेगा एट ऑल कॉन्सेंट्रेशन समझ में आएगा ओके अब फॉर बेसिक सोल्यूशन अगर लेते हैं वहां बेसिक सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन में क्या रहेगा ओ एच माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन इज गोइंग टू बी मोर और यह ज्यादा रहेगा टू द पावर माइनस सेवन मतलब एच प्लस इज गोइंग टू लेस टेन टू दावर माइनस सेवन इन एनी केस द कॉन्सेंट्रेशन जो रहेगा इनका प्रोडक्ट जो रहेगा देट इज गोइंग टू बी इक्वल टू ट्वेंटी पावर माइनस फोर्टीन ओके ये हमेशा रहेगा तो यहाँ से अपन पी एच स्केल डिस्कस करते हैं पी एच स्केल में वी हैव ऑलरेडी एक्चुअली डिस्कस डिट ओके इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते हैं बेसिकली एच प्लस एन और माइनस वन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ट्वेंटी पावर माइनस सेवन इन प्योर वाटर न्यूट्रल वाटर या प्योर वाटर में देट इज़ द सिचुएशन ओके दैट इज़ अ फैक्ट बेसिकली ओके पीएच को अपन डिफाइन करते हैं नेगेटिव लॉग टू द बेस एन ऑफ़ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन सो वी कैन राइट पी एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस एन ऑफ एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन मतलब किसी भी सोल्यूशन में हमको क्या करना है जो एच प्लस आइन कॉन्सनट्रेशन है वो डिटरमाइन करो ठीक है कॉन्सन्ट्रेशन मोल्स पर लीटर में मोल्स पर लीटर में अपने को कॉन्सन्ट्रेशन डिटरमाइन करना है यहाँ पे इसका नेगेटिव लॉग ले लो जो आंसर आएगा दैट इज दी एच समझ में दैट इज द पी एच ऑफ दैट सोल्यूशन ओके सो फॉर वाटर ओके वाटर में H प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन कितना है टेन टू द पावर माइनस सेवन है तो टेन टू द पावर माइनस सेवन अपन पी एच के इक्वेशन में लिख देंगे सो पी एच इक्वल टू दैट हो जाएगा इसको सॉल्व कर लेंगे वॉट वी गेट इज सेवन ओके सो यहां पे देखो किस तरह से अपन सॉल्व करते हैं मैं देखो तो जी एक जस्ट ट्रिक बता देता हूँ आई थिंक यू शुड नो दैट क्योंकि मैडम ने पढ़ाया होगा तुमको है ना सो so, अगर मान लो ये है तो ये सा, सामने लाते अपन लॉग रूल के हिसाब से तो so, ये हो जाएगा माइनस माइनस सेवन लॉक टू द बेस्ट टेन और ये हो जाएगा यहाँ पे सो टेन टू दाइनस सेवन सामने ला लिया राइट right? तो so, ये लॉक टू देश टू देश वन तो ये हो जाएगा माइनस माइनस so ये हो जाएगा सेवन समझ में आए सो बेसिकली निगेटिव साइन रहने की वजह से जो भी साइन यहाँ पे रहेगी उसका अपोजिट कर दो और ये बचा रहेगा तुम्हारा लॉक टूथ द बेस्ट है ठीक है सिंपल इसमें निकालना है तो ये uh, अगर वैल्यू अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है बेसिकली इन दैट केस यू गोना हैव टू बी यूजिंग यू गोना बी यूजिंग लॉक टेबल ठीक है सो ये हो गया पी ऑफ न्यूट्रल वाटर ठीक है पी ऑफ न्यूट्रल वाटर एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस इज सेवन ठीक है अगर मैं एसिडिक सोल्यूशन लेता हूँ तो उसमें एचप्लोस एन कॉन्सेंट्रेशन टेन टू द पावर माइनस सेवन से ज़्यादा रहेगा इजेंट इट मान लो टेन टू द पावर माइनस सिक्स है तो ये इसका पी एच कितना हो जाएगा फिर सिक्स हो जाएगा सो पी एच कैसा रहेगा लेस देन सेवन रहेगा फॉर एसिडिक वाटर ओके एसिडिक सोल्यूशन अगर मैं बेसिक सोल्यूशन लेता हूँ तो उसमें ओ एच माइनस आयन एन कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन टेन टू द पावर माइनस सेवन इज इट मतलब एच प्लस आयन एन कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन टेन टू द पावर माइनस सेवन तो इसको टेन टू द पावर माइनस एट कर देते तो ये एट हो जाएगा so ph is going to be more less than sorry ph is going to be more than 10 to the power 7 isn't it so as a result of this we can clearly understood why phs uh, of neutral water is 7 and why acidic is less than 7 and basic is more than 7 okay Then, hai uh, all these values are at 25 degrees celsius yeah all these values are at 25 why is it at 25 degrees celsius because के डब्ल्यू की वैल्यू एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस इज़ वन इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर्टीन ठीक है मोल स्क्र पर इट स्क्र ये आती है के डब्ल्यू की वैल्यू और इसी से हमने एच प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन निकाले इसी से हमने ये सारे वैल्यूज निकाले बराबर है कि नहीं तो अगर ये वैल्यू चेंज होती है टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर चेंज करूँगा तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी तो सारी वैल्यूज चेंज हो जाएगी अंडरस्टूड राइट बिकॉज वी ऑलवेज डू दिस एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस राइट देर इज़ ए वेरी इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस ओके अगर टेम्परेचर मैं कम करता हूँ ऑब्वियसली तो पी एच uh, तो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट कम हो जाएगा और पी एच जो है वो हाइयर uh, हो जाएगा इनफैक्ट इज़ गोइंग टू बी जो न्यूट्रल पी एच है दैट इज गोइंग टू भी मोर देन सेवन अगर हाई uh, टेम्परेचर करता हूँ तो डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट बढ़ जाता है और जो न्यूट्रल पी एच है दैट बिकम्स लेस देन सेवन ठीक है यहाँ पर न्यूट्रल पी एच इज़ बेसिकली सेवन फॉर वाटर Right, that's because we are everything that we do, uh, we are doing at 25 degrees Celsius. Okay. So that is basically the scale uh, for pH. Okay. So this is basically uh, your neutral water. Okay. That is basically your neutral water, pure water, DI the okay? uh, H plus ion concentration is 10 to the power minus 7. OH minus ion concentration is also 10 to the power minus 7. तो पी एच अपन निकाल रहे हैं तो उसके लिए वैल्यू आएगा सेवन पी ओ एच अगर निकालते हैं जैसे पी एच अपन ने डिफाइन किया वैसे ही पी ओ एच भी अपन डिफाइन कर सकते हैं पी ओ एच इज इक्वल टू निगेटिव लॉग टू द बेस्ट टेन ऑफ यहाँ पे क्या लेंगे अब ओ एच माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन ठीक है तो सिर्फ ओ एच माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन मतलब नीचे वैल्यूज वैल्यू अपन यहाँ पे सेटअप करेंगे एंड वी गेट दैट ठीक है मैं पी ओ एच स्केल भी तुमको दिखा दूंगा एक्चुअली आगे अगर मैं एसिडिक सोल्यूशन करता हूँ तो देखो वैल्यू जो है वो बढ़ते जा रही है एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन की इज इट एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू बढ़ते जा रही है राइट इट इज़ डिक्रीजिंग सॉरी इट इज इंक्रीजिंग बाय अ फैक्टर ऑफ टेन ठीक है टेन के फैक्टर से जो वैल्यूज है वो इंक्रीज होते जा रही है तो जो पी एच की वैल्यू है वो टेन के फैक्टर या वन के फैक्टर से डिक्रीज होते जाएगी यस सी दैट अगर मैं uh, जैसे एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन लेता हूँ टेन टूथ पावर माइनस वन तो जो वैल्यू आएगा पी का दैट इज गोइंग टू बी वन अरे दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन पी एच ऑफ वन ओके इज एस लेकिन पी एच ऑफ जीरो अगर लेता हूँ मैं ओके okay, अगर मैं एच प्लास एंड कॉन्सेंट्रेशन वन लेता हूँ तो पी आएगा जीरो विच इज विच इज बेसिकली वन मोलर एच सी एल सोल्यूशन ओके सो वन मोलर एच सी एल सोल्यूशन का जो पी एच है दैट इज बेसिकली जीरो सो वी कैन से दैट दिस pH is इज़ 0.1 molar HCl and मोलर molar HCl so एन जीरो पॉइंट जीरो मोलर एच सी एंड सो फोर ठीक है तो इधर जाएंगे अपन तो ये हो जाएगा प्योर वाटर या तो जो एन कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है ऑन दिस साइड ओके एंड एन कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीजिंग इन दैट साइड ओके टेन के फैक्टर से इंक्रीज हो, हो रहा है एचप्रोसाइन कॉन्सेंट्रेशन एक के फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है ओके बिकॉज ये स्केल है दैट्स स्केल हैॉक टू ले रहे हैं अपन इसलिए अगर पी एच देखते हैं अपन ऑन द बेसिक साइड तो क्या हो रहा है एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है टेन के फैक्टर से तो इसका पी एच जो है वो इंक्रीज हो रहा है बाई एक के फैक्टर से ठीक है अगर मैं ये सोल्यूशन देखू ठीक है ना इसमें देखो एच प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना है टेन टू दावर माइनस फोर्टीन ओके एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन इज टेन टू द पॉर माइनस फोर्टीन तो ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज वन दिस इज बेसिकली अ वन मोलर एन ओ एच सोल्यूशन ठीक है इसका पी एच आता है फोर्टीन हाईली बेसिक हाईली अल्कलाइन कॉस्टिक सोल्यूशन ठीक है सो so, जैसे जैसे पी एच वैल्यू डिक्रीज होगा वैसे वैसे uh, उसका पी एच सॉरी जैसे जैसे एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा जैसे जैसे एच प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा वैसे वैसे पी एच वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगा समझ में आया ओके सेम थिंग गोज फॉर ओ एच माइनास एन कॉन्सेंट्रेशन ओके ओ एच माइनस आइन कॉन्सेंट्रेशन देखो अगर एच प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो ओ एच माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा इज इट उसी तरह से इस डायरेक्शन में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ओके okay? तो ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन यहां पे इंक्रीज होगा राइट दिस इज बेसिकली अवर न्यूट्रल पॉइंट राइट इन द मिड ओके यहां से अपन कॉन्सेंट्रेशन को कंपेयर कर रहे हैं देखो कॉन्सेंट्रेशन मतलब जस्ट तुमको दिखाना चाहता था कि हाउ डज कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली चेंज यू स्टार्ट विथ अ वेरी हाईली एसिडिक सोल्यूशन पी uh, एच अगर जीरो है तो दैट इज बेसिकली यूर वन मोलर एच सी एल सोल्यूशन ओके वन मोलर एच सी एल सोल्यूशन तो यहाँ पे ये तुमको दिख रहा है मोल्स इज एंड अब मैंने क्या कर दिया एच प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा हूँ जस्ट डिक्रीजिंग द एच प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन तो पी एच देखो ये होते जा रहा है ओके पी एच क्या होते जा रहा है बढ़ते जा रहा है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यू हैव सेम नंबर ऑफ एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, यार सेम नंबर ऑफ एच प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन एंड ओ एच माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट अब जैसे क्या हो रहा है कि यू हैव दिस सिचुएशन एच प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन ऊपर है ओ एच माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन कम है तो ये सोल्यूशन कैसा रहेगा बेसिक रहे सॉरी ये सोल्यूशन कैसा रहेगा एसिडिक रहेगा ठीक है, रहे है? अब क्या कर रहे हैं अपन एच प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहे हैं अगर हमें एच आयन एन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज़ कर रहा है तो कीप द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कॉन्स्टेंट ओ एच माइनस आयन बढ़ना चाहिए के डब्ल्यू की वैल्यू हमको क्या करनी है कॉन्सटेंट रखनी है टेन टू द पावर माइनस फोर्टीन अगर ये वैल्यू कम हो रही है तो ये वैल्यू बढ़ेगी ठीक है एट न्यूट्रल दोनों वैल्यूज क्या हो गई सेम हो गई अब ओ एच माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा तो एच प्लस आय कॉन्सेंट्रेशन कम कम होते जाएगा ये दोनों इस तरह से कि दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस फोटीन ओके okay? जैसा पी एच है वैसे ही पी ओ एच भी है इट इज़ बेसिकली अ अगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस एंड कॉन्सेंट्रेशन ठीक है तो यहाँ पे पी एच की जगह पी ओ एच लेंगे अपन पी एच का इक्वेशन ये लिखेंगे सर पी ओ एच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस्ट टेन ऑफ ओ एच माइनस एंड कॉन्सेंट्रेशन हालांकि पी ओ एच जो है अपन ज़्यादा यूज़ नहीं करते वी जस्ट यूज पी एच ओके इट्स वेरी कॉमन बट यू नो प्रॉब्लम्स में यू कैन गेट पी ओ एच ऑल्सो ठीक है ध्यान रखना फॉर प्योर वाटर एच प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन सेम होता है सो पी ओ एच इज इक्वल टू पी एच इज इक्वल टू सेवन फॉर न्यूट्रल वाटर ओके ये अभी अपन ने स्केल में देखा था बेसिकली ओके यू कैन पुट इन द कॉन्सनट्रेशन ऑफ आइर एच प्लस और ओ एच बिकॉज दोनों सेम ही है टेन टू दो बार माइनस सेवन ही है इसलिए अगर वो रखते हो तो आंसर आएगा तुम्हारा सेवन अब पी ओ एच में एग्जैक्टली exactly उल्टा रहेगा अगर मैं एसिडिक सोल्यूशन लेता हूँ ठीक है एसिडिक सोल्यूशन में ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसा रहेगा एसिडिक सोल्यूशन में कम रहेगा लेस देन टन टू दर माइनस सेवन तो पी ओ एच इज एक्चुअली लेस देन सेवन जैसे पी एच में एसिडिक जो पी एच होता है दैट इज लेस देन सेवन सो पी ओ एच में ओ एच आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा सर so, मैं इसको स्केल को ड्रॉ भी करता हूँ यहाँ पे जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल दिस इज सेवन ठीक है एंड लेट्स कॉल दिस एज एसिडिक साइड एंड दिस इज बेसिक साइड ठीक तो एच ओ एच माइनस आइन कॉन्सेंट्रेशन इज एक्चुअली लेस देन टेन टू द पावर माइनस सेवन मतलब ये एसिडिक हो गया ना ओ एच माइनस आइन लेस देन सेवन है तो एच एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन मोर देन सेवन हो गया अब पी ओ एच अगर मैं लेता हूँ ठीक है ना तो ये क्या आ जाएगा पी एच ओके पी ओ एच इज गोइंग टू बी मोर देन सेवन इज इट एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट दिस इज गोइंग टू बी एसिक तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में यह पी ओ एच स्केल की बात कर रहे हैं अपन इस डायरेक्शन में यह बढ़ते जाएगा दिस इज गोइंग टू बी फोर्टीन ये एसिडिक रहेगा ठीक है ये एग्जैक्टली फ्लिप्ट स्केल रहेगा जैसा पी एच का स्केल है उसका एग्जैक्टली अपोजिट इज पी ओ एच स्केल ठीक है अगर बेसिक सोल्यूशन लेता हो तो बेसिक सोल्यूशन में ओ एच मानासन कॉन्सन्ट्रेशन एज मोर देन सेवन तब पी ओ एच जो रहेगा दैट इज गोइंग टू भी लेस देन सेवन और वो रहेगा इस साइड में ठीक है बेसिक साइड में जा रहे हैं अपन तो ये रहेगा तुम्हारा ज़ीरो ओके सो so, पी में जो स्केल है वो एक्जैक्टली exactly फ्लिप्ट है ठीक है पी में अपन कैसा लेते हैं इधर जीरो लेते हैं इधर फोर्टीन लेते हैं बीच में सेवन है दिस इज पी स्केल पी में क्या ले रहे हैं ओके यू आर स्टिल गोइंग फ्रॉम एसिडिक टू बेसिक इधर एसिडिटी कम होती है दिस इज एसिडिक एंड दिस इज बेसिक ओके यहाँ पे ये एसिडिक है बेसिक है मतलब सेम साइड है बट नंबर्स उल्टे हैं ओके okay, यहाँ पे जीरो टू फोर्टीन है और यहाँ पे फोटीन टू जीरो है पी एच में ओके okay? ये वो स्केल है बेसिकली पी एच स्केल एंड पी ओ एच स्केल ठीक है दोनों स्केल एक ही साथ दिखाई है यू दैट जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन न्यूट्रल आ गया फिर से जा रहे हो तुम एट नाइन टेन फोर्टीन या यहाँ पे देखो एच प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन इज एक्चुअली इंक्रीजिंग एच प्लस एन कॉन्सनट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रहा है

पी एच में अपन हमेशा एच प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे पी ओ एच में हमेशा ओ एच माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे ओके पी ओ एच में हमेशा ओ एच माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन की बात करेंगे ठीक है ना uh, एक बात और तुमको देख मतलब समझ में आएगी वी नो कि मैथमेटिकली uh, अगर मैं लिखता हूँ ठीक है मैथमेटिकली अगर लिखता हूँ एच प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स ओ एच माइनस एंड कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू वन इंटू टेन टू द पावर माइनस फोर्टीन एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस क्या वो तुमको दिख रहा है यहाँ पे एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन ले लो और उसी सोल्यूशन का ओ एच माइनस आइन कॉन्सेंट्रेशन ले लो दोनों का प्रोडक्ट करो तो कितना आंसर आता है टेन टू दो बार माइनस फोर्टीन आता है किसी भी वैल्यू के लिए तुम ये कर सकते हो कैन यू सी दैट यस एज फार एज टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट डजेंट मैटर हाउ एसिडिक और हाउ बेसिक दैट सोल्यूशन इज यू कैन टेक द मोस्ट बेसिक सोल्यूशन ठीक है इसमें एच मोनर साइन कॉन्सेंट्रेशन इज़ वेरी वेरी लो टेन टू द पावर माइनस फोर्टीन है तो ओ एच माइनस आइन कॉन्सेंट्रेशन कितना है बहुत ज़्यादा और इसका प्रोडक्ट कितना आएगा टेन टू द पावर माइनस फोर्टीन यू कैन टेक अ वेरी एसिडिक सोल्यूशन ओके मोलैरिटी कितनी है इसकी वन की है तो ओ एच माइनस एन कॉन्सनट्रेशन क्या रहेगा बहुत कम रहेगा और प्रोडक्ट अगर लेते हैं अपन तो कितना आएगा अगेन टेन टू द पावर माइनस फोर्टीन कैन यू सी दैट यस प्रोडक्ट ऑफ एच प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन एंड ओ एच माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन इज ऑलवेज टेन टू द पॉवर माइनस फोर्टीन ठीक है दूसरा चीज तुम ये भी देख सकते हो अगर मैं पी एच और पी ओ एच दोनों को एड करता हो तो क्या आता है वैल्यू पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आती है फोर्टीन फॉर एनीथिंग ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन फोर्टीन प्लस जीरो फोर्टीन फोर प्लस टेन फोरटीन टू प्लस बिकॉज दिस इज ट्रू अगर मैं दोनों साइड में लॉग लेता हूं दोनों साइड में लॉग लेता हूं तो मेरे को यह मिलेगा पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू फोर्टी समझ में एट लेकिन ध्यान में रखना ऑलवेज एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस ओनली एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस दिस इज ट्रू ठीक है सो बिकॉज दिस इज ट्रू दिस इज ऑल्सो ट्रू ओके सो इसको अपन इस तरह से दिखा सकते हैं एच प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन दोनों का ये आएगा दोनों तरफ लॉग ले रहे हैं अपन लेफ्ट हैंड का लॉग और राइट हैंड का लॉग और इसको सॉल्व करेंगे तो पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू टेन टू द पावर सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू फोर्टीन ओके एट ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस फॉर एनी सोल्यूशन या एट फॉर एनी सोल्यूशन बेसिकली दैट इज द केस और इज अ रिव्यू क्वेश्चन आंसर्स नहीं लूंगा इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन कैन लेस देन जीरो स पी एच भी लेस देन जीरो ठीक है हमको मालूम है कि एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन दैन एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन इज वन ओके अगर मोलरिटी वन की है तो पी एच इज इक्वल टू जीरो अगर मैं इससे ज्यादा लेता हूँ कॉन्सनट्रेशन तो पी एच इससे कम होगा मतलब निगेटिव आएगा अंडरस्टूडे राइट यू कैन प्लग इन द वैल्यू और सॉल्व करके देखो पी एच इक्वेशन में हाई कॉन्सन्ट्रेशन रखो दो या तीन का मोलैरिटी वाला कॉन्सेंट्रेशन रखो तो तुमको पी एच निगेटिव एंड पी एच निगेटिव इज सीन इट जस्ट दैट आफ्टर सर्टन पॉइंट जो ड्रॉप इन द नेगेटिवनेस है वो उतना ज़्यादा नहीं होता बिकॉज द लॉगरिथमिक स्केल अपने को कॉन्सेंट्रेशन टेन टाइम्स बढ़ाना पड़ता है टू डिक्रीज द पी एच बाय वन यूनिट इज इंट इट इसलिए फिर बाद में सो बेसिकली दिस इज अ वेरी कॉमन लेबोरेटरी सोल्यूशन जिसमें अपन एच प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन वन मोलर लेते या फिर ओ एच माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन वन मोलर लेते इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड एसिडिक और बेसिक स्ट्रॉग सोल्यूशन ठीक है इससे स्ट्रॉन्ग भी मिलते हैं तुमको uh, लेकिन नॉट इन लेबोर्टरीज यूजअली इन इंडस्ट्रीज आर द यू स्ट्रॉगर सोल्यूशन लेकिन वी डोंट एक्चुअली टॉक अबाउट पी एच एस इन दैट पर्टिक्यूलर केस बिकॉज इट कैन भी डिसेप्टिव ओके जो स्केल है पी एच स्केल इट वर्कस वेरी वेल फ्राम वन टू फोर्टीन इसके अदर uh, एंड पे Uh, it's, it doesn't actually give you the extent of um, uh, you know. It doesn't give you the real picture of uh, the pH. Uh, so industry major term use karte, that is concentration mein, uh, they use a percentage. ठीक industry is they use percentage not the pH for uh, these things. Uh, pH jo use करते that is basically applicable to fra for you know one to fourteen tak.

ठीक है वेदर इट इज़ अ पी एच ऑफ अ स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस और वीक एसिड वीक बेस वट एवर इट इज़ राइट अगर पी एच निकालते आता है तुमको ठीक है सो देर आर वेरियस डिफरेंट थिंग्स यू कैन यूज एक्चुअली ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमको ओ एच माइनस आइन कॉन्सेंट्रेशन दे दिया है कितना दिया है मान लो कि टेन टू द पावर माइनस सिक्स मोल्सपो लीटर दिया है ओके मोल्सपो लीटर तो तुम यहाँ से एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो कैसा निकालोगे वेल वन इंटू टें टू द पावर माइनस फोर्टीन डिवाइडेड बाय ओ एच माइनस आइन कॉन्सेंट्रेशन जो तुमको दिया है इज इक्वल टू एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन ठीक है एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन निकल गया अब पी एच वाले इक्वेशन में कर दो और तुमको आंसर आ जाएगा ठीक है पी एच तुमको निकालते आना चाहिए एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन अगर नहीं दिया है तुमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली दिया है तो वहाँ से तुमको एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन निकालते आना चाहिए उससे तुम्हें दस वन तरीका दूसरा तरीका क्या है अगर तुमको ओ एच मायनास एन कॉन्सेंट्रेशन दिया है ठीक है ओ एच तो तुम पी ओ एच डायरेक्टली निकाल सकते हो नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच माइनास एन कॉन्सेंट्रेशन ठीक है और तुमको मालूम है पी एच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू फोर्टीन इज तो यहां से तुम पी एच निकाल सकते हो सो पी एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर्टीन माइनस पी ओ एच ठीक है तो तुमको पी एच निकालते आना चाहिए फॉर एनी सोल्यूशन इसकी तुम प्रैक्टिस करो बेसिकली बुक में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स दिए हैं टू कैलकुलेट द पी एच ओके दिस इज बेसिकली टू गेट यूज टू दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल इट्स अ वेरी सिंपल प्रिंसिपल एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू इट रियली नाइसली रियली वेल एटलीस्ट जो ट्राई करते हैं उनको आ ही जाता है इतना आसान ये कॉन्सेप्ट है ठीक है ना तुमको पी एच निकालते ही आना चाहिए वंस यू डन दैट ओके नेक्स्ट थिंग वी डू इज नाउ वी मूव टू इक्विलिब्रियम ठीक है इक्विलिब्रिया में यही कॉन्सेप्ट्स क्या लगेंगे फिर थोड़े से ट्रिकी लगेंगे अभी तो इसलिए इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो पहले पीएच निकालते अच्छे से आना चाहिए एंड देन यू कैन एक्चुअली डू मच बेटर विथ एसिड बेस इक्विलिब्रिया ओके सो एसिड इक्विलिब्रिया में कोई एसिड है उसका डिसोसिएशन एच प्लस और ए माइनस है कोई डिसोसिएशन दे दिया है ठीक है ना सॉरी कोई एसिड है उसका डिसोसिएशन है बेसिकली तो इसका मैं के सी का इक्वेशन लिखूंगा दैट इज द के सी ना बिकॉज आर टॉकिंग अबाउट एसिड बराबर है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड तो के सी के जगह मैं क्या लिखूंगा के ए लिखूँगा ठीक है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड के सी की जगह क्या लिखूंगा एसिड ए फॉर एसिड सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे ए फॉर एसिड है ठीक है के ए इसको अपन बोलते हैं आयनाइजेशन कॉन्सटेंट ऑफ एसिड और डिसोसिएशन कॉन्सटेंट ऑफ एसिड कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड ठीक है वन ऑन द सेम थिंग ओके जैसे के ए है वैसे के बी भी रहेगा विच इज गोइंग टू बी डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेस या आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेस ठीक है तो ये के ए वाला इक्वेशन है और राइट दिस इज द के ए इक्वेशन अगर बहुत ही ज्यादा वीक एसिड है अगर ये मान लो बहुत ज्यादा वीक एसिड है तो एच ए का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगा तो उस केस में अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं एच प्लस इज इक्वल टू ए माइनस ठीक है ऐसा भी अपन लिख सकते हैं फॉर वेरी वीक एसिड ओके फिलहाल इसी को ध्यान में रखो बेसिकली दिस दिस इज द एसिड और उसका ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है एंड के इज कॉल्ड एज अ डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड ओके दूसरा एक टर्म अपने को देखना पड़ता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच इज़ अल्फा ओके ये क्या होता है ये बताता है अपने को स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड ओके जैसे कोई एसिड है आ, कोई भी एसिड ले लो एच ए जनरल एसिड ले रहा हूँ मैं ठीक है और यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम है अगर ये वीक एसिड है तो डिसोसिएशन कम रहेगा इट और अगर स्ट्रांग एसिड है तो डिसोसिएशन ज्यादा इज इट अगर डिसोसिएशन ज़्यादा है तो ज़्यादा एच प्लस मतलब ज़्यादा पी एच बेसिकली दैट इज हाउ इट इज इज इट तो अपन क्या बोलेंगे अल्फ़ा अगर ज़्यादा है ओके okay? अल्फा अगर ज़्यादा है तो कैसा रहेगा ये स्ट्रांग एसिड रहेगा अल्फ़ा अगर लो है तो ये वीक एसिड रहेगा

ये अपन इसका रेशियो लेके अपन, अपन कैलकुलेट करते अल्फा राइट सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग अल्फा ये ध्यान में रखना कि यू ऑलवेज कैलकुलेट बाय अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिसोसिएटेड कितना डिसोसिएट हुआ राइट आउट ऑफ कितना लिया था ओके okay? सो so, इसको सेटअप करने के लिए दिस इज समथिंग यू शुड नो ओके दिस इज समथिंग यू शुड नो लेट्स टेक वन सी मोल्स ऑफ समथिंग ओके सम इसका तो इनिशियल अपन कैसा लेंगे इनिशियल ऑफ एसिड इज सी मोल्स कितना ले लिया अपन ने सी ले लिया ओके इट बी बी मोल मोल इट राइट और ये रहेगा जीरो जीरो सो टू गिव एन एग्जाम्पल विल जस्ट टेक वन मोल ऑफ दिस एंड दिस इज गोइंग टू बी जीरो जीरो इनिशियली इनिशियल दूसरा रहेगा इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम मोल्स ठीक है अब इक्विलिब्रियम मान लो कि वन में से पॉइंट टू डिसोसिएट हो गया इज इट डेड सो वन में से पॉइंट टू डिसोसिएट हो गया तो बचा कितना रहेगा जीरो पॉइंट एट ओके ये कितना बचेगा जीरो पॉइंट टू जीरो पॉइंट टू बराबर है क्योंकि पॉइंट टू डिसोसिएट हुआ है ना तो इक्विलिब्रियम पे ये कॉन्सेंट्रेशन आएंगे अब अगर मान लो वन के जगह इफ आई टेक टू मोल्स वन के जगह इफ आई टेक टू मोल्स ओके आई विल ऑलवेज कीप अल्फा एज जीरो पॉइंट टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना रहेगा जीरो पॉइंट टू मतलब एक मोल लिया तो जीरो पॉइंट टू डिसोसिएट हो रहा है तो अगर मैंने दो मोल लिया तो दो मोल में से कितना डिसोसिएट होगा जीरो पॉइंट फोर तो बचा कितना रहेगा वन पॉइंट सिक्स बराबर है वन पॉइंट सिक्स बचा रहेगा ये कितना बचेगा ये होगा ये कितना बनेगा बेसिकली ये होगा जीरो पॉइंट फोर एंड दिस इज ऑल्सो जीरो पॉइंट फोर इज इट तो अगर मैं इसका इक्वेशन देखूं तो ये बनता है इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखो सो दिस इज बेसिकली गोइंग टू बी सी ओके दिस इज जनरली गोइंग टू बी सी दिस इज सी ओके दिस इज इनिशियल इज जी एंड यहां पे आता है सी वन माइनस अल्फा ओके या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं सी माइनस सी अल्फा ठीक है और इसको सॉल्व करूंगा तो सी वन माइनस अल्फा दैट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एंड सी अल्फा देखो सी अल्फा ठीक है ना आ, जैसे सी था कितना था टू राइट right. और अल्फा कितना था ओके okay. अल्फा कितना था जीरो पॉइंट टू तो जीरो पॉइंट टू तो ये आ रहा है आंसर जीरो पॉइंट फोर इज एंड दोनों के केस में उसी तरह से यहां पे भी टू माइनस फोर जीरो पॉइंट फोर कर रहे हैं ना अपन सी इज टू एंड जीरो पॉइंट तो आंसर ये आ रहा है तो इफ यू यूज दिस यू गेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम मोल्स समझ में आया क्या सो दिस इज अपलिकेबल फॉर कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली मोल्स के लिए इट्स वेरी इजी राइट यू कैन यू डोंट एक्चुअली हैव टू डू दिस थिंग यू कैन जस्ट यूज दिस इक्वेशन और यू कैन जस्ट यूज लॉजिक कि इतने इतने मोल्स लिए थे इतने मोल्स डिसोसिएट हाउ मनी मोल्स लेफ्ट और एट द इक्वलीब्रियम ठीक है सो ये सेटअप तुमको करना ही पड़ेगा ध्यान में रखना है ओके सो फॉर इक्वेशन्स एट इक्विलिब्रियम फॉर इक्वेशंस एट इक्विलिब्रियम इनिशियल मोल्स यासेंट्रेशन ले लो फाइनल मोल्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ले लो एंड यू राइट दिस ऑलवेज राइट दिस ऑलवेज ओके एंड देन यू सेटअप द इक्विलीब्रियम इक्वेशन ओके अपना इक्वलीब्रियम लॉ जो है वो लिखते हैं तो इक्विलीब्रियम लॉ जो है वो क्या रहेगा सो इक्वलीब्रियम लॉ के ए के ए लेना पड़ेगा रहा रिमेंबर फॉर एसिड इट इज इक्वल टू एच प्लस आई एन कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स ए माइनस कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई एच ए ठीक है अब सारे वैल्यूज यहाँ पे रख दो ठीक है एच ए कॉन्सेंट्रेशन कितना है सी अल्फ़ा इजेंट इट ए माइनस कॉन्सेंट्रेशन दैट इज ऑल्सो सी अल्फ़ा और डिवाइडेड बाय एच ए विच इज़ सी वन माइनस अल्फा ओके ये सारे लिखेंगे अपने को तो ये मिलता है ओके सी अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी वन माइनस अल्फा और अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा मैं सॉरी अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ मैं सी स्क्र सो इट वाज एक्चुअली सी अल्फ़ा स्क्वायर सी अल्फ़ा टाइम्स सी अल्फ़ा डिवाइडेड बाय सी वन माइनस अल्फ़ा ऐसे दिस इज एच प्लस एन कॉन्सनट्रेशन दिस इज ए माइनस एन कॉन्सेंट्रेशन दिस इज एच ए कॉन्सेंट्रेशन ओके एसिड का कॉन्सनट्रेशन यहाँ पे सी कट हो जाएगा बचेगा क्या अपने पास बेसिकली C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा ठीक है अगर मान लो जो एसिड है ओके okay, ये वीक एसिड है अपन ने जो लिया था वीक एसिड लिया था ऐसा मान लेते हैं अपन कि जो अपना एसिड था दैट वाज एक्चुअली वीक ठीक है तो अल्फा कैसा रहेगा स्मॉल फॉर वीक एसिड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका डिसोसिएशन ही कम रहेगा ना इसका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट भी लो रहेगा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी लो रहेगा इज एंटेड सो इफ अल्फा इज लार्ज इट इज अ स्ट्रॉग एसिड अल्फा स्मॉल इट इज अ वीक एसिड इजेंटेड सो एसेंशियली अगर अल्फा स्मॉल है राइट देन वन माइनस अल्फा ये जो टर्म है डिनोमिनेटर वाला वी कैन कैन वी से दैट दैट इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वन इज एंड सी अल्फा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय वन हो जाएगा ये क्योंकि अल्फा यहाँ पे निग्लिजिबल है एज कम्पेयर टू वन एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी कैन राइट दिस ओके यहाँ पे सी कैंसिल हो जाएगा ऑब्वियसली वन ऑफ द सी एंड के ए यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रॉपरली उसको के ए ठीक है इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर इज इट के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर और अगर अल्फा um, के लिए सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी समझ में आया क्या ये दोनों इक्वेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है राइट अल्फ़ा वाला एज वेल एज़ के ए वाला अगर तुमको बोल दिया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो फॉर द एसिड या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड निकालो ये के ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कभी कभी के ए तुमको निकालना पड़ता है तो उसके लिए तुमको क्या यूज़ करोगे तुम सी अल्फ़ा स्क्वायर लेकिन कब जब एसिड इज़ वेरी वीक समझ में आया क्या वेरी वीक अगर एसिड है तब यूज़ करोगे इक्वेशन अगर मान लो वेरी वीक नहीं है वीक है लेकिन इज़ नॉट नेगलीजिबल तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे ये वाला अंडरस्टूड ओके है है? Okay. ये वाला बोले तो यहाँ पे सी तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा यूल बी लेफ्ट विथ दिस इक्वेशन एक्चुअली सो दिस दिस इज द इक्वेशन ऑन टॉक सी तो कैंसिल हो जाएगा ना एक सी अल्फा स्क्वे डिवाइडेड बाई वन माइनस अल्फा ठीक है अगर मॉडरेट एसिड है तो उसके लिए ये यूज़ करना है और अगर वीक बहुत ज़्यादा वीक एसिड है तो उसके लिए ये इक्वेशन यूज़ करना है और स्ट्रांग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे पर स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए कोई इक्वेशन नहीं रहेगा ना क्योंकि अगर मान लो मेरे को कॉन्सेंट्रेशन पता चल गया कि मैंने जैसे मान लो ज़ीरो पॉइंट वन मोलर एच ठीक है मैंने पानी में डाल दिया ओके सर्टन अमाउंट तो इसका पी क्या रहेगा वेल well, मेरे को वॉल्यूम मालूम है मेरे को मोल्स मालूम है तो मैं कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता उसका इजेंटेड इसका अल्फा क्या रहेगा इज इक्वल टू वन फॉर दिस वन इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू वन इन दिस पर्टिकुलर केस इज इंटेड बिकॉज इज अर एसिड तो जो जो कॉन्सनट्रेशन ऑफ एच प्लस है यहाँ पे यहाँ पे जो एच प्लस है एच प्लस का जो कॉन्सनट्रेशन है वो क्या रहेगा दैट इज द अमाउंट ऑफ एसिड आई एडिड इन द वाटर तो यहाँ पे किसी भी तरह का कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज जितना मैंने एसिड या बेस स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस पानी में डाला है वो पूरे के पूरा डिसोसिएट हो गया एंड द अमाउंट ऑफ एच प्लस इज बेसिकली इज इक्वल टू जो कॉन्सनट्रेशन मैंने पानी में डाला है ठीक है सो so यहाँ पे कैलकुलेट लेकिन वीक एसिड में क्या है मैंने अगर मान लो पॉइंट वन मोलर एसिडिक एसिड डाल दिया है पानी में पॉइंट वन मोलर एसिडिक एसिड पानी में डाला ठीक है और आई एम गिवन कि कितना डाला और कितने वॉल्यूम में डाल दिया ये सब कुछ मेरे को दिया है ना कैलकुलेट द पी एच वेल वी कैन नॉट बिकॉज वी डोंट नो इस कितना डिसोसिएट हो रहा है इज इट तो इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा इस तरह का सेटअप करना पड़ेगा एसिडिक एसिड लिखो H प्लस आयन एसिटेट आयन C00 जीरो जीरो इनिशियल कॉन्सल्ट्रेशन ये अल्फा दे दिया है मेरे को ठीक है अब यूजिंग दिस कैलकुलेशन आई कैन कैलकुलेट अल्फा फॉर दिस अगर मेरे को के ए मालूम है तो मैं अल्फा अभी कैलकुलेट कर सकता हूं इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन तो मेरे को दिया ही रहेगा ऑब्वियसली मैं उस एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फिगर आउट करूंगा फ्रॉम दिस ओके एक बार मेरे को अल्फा आ गया आई कैन कैलकुलेट एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन ठीक है एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन इज सिंपली सी एल्फा ओके okay, कॉन्सेंट्रेशन जो लिया था मैंने 0.1 और इसका जो भी अल्फा आएगा वो दैट इज गोइंग टू गिविंग एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन एक बार एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो पी एच इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच माइनस सॉरी एच प्लस आइन कॉन्सनट्रेशन विवज एस पी एच समझ में आएगा सो so पी एच अगर निकालना है तो उसके लिए मेरे को एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन पता चलना एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन के लिए मेरे को कॉन्सेंट्रेशन और अल्फा मालूम रहना चाहिए एंड दैट इज़ वॉट वी डू हियर अल्फा अगर निकालना है तो अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी के ए तुमको दिया रहेगा सी दिया रहेगा अगर के ए नहीं दिया है तो के ए किसी और तरीके से तुमको निकालना पड़ेगा सी तो जनरली दिया ही होता है ओके सो द इक्वेशन वी हैव इज अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी दैट इज द इक्वेशन ठीक है यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप तुमको ध्यान में आता है अल्फा और सी इसका रिलेशनशिप कैसा है इन्वर्स है अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ओके या फिर यू नो इन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय रूट सी अल्फ़ा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाय रूट सी अगर मैं अल्फा और कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो मेरे को ये दिखता है कि जैसे जैसे कॉन्सनट्रेशन डिक्रीज़ होता है ये डिक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में इट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है ना इधर सॉरी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है तो so, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, जैसे -से है तो जैसे जैसे सी इंक्रीज होगा वैसे वैसे अल्फा क्या होगा डिक्रीज होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीजेज जितना ज्यादा मैं कॉन्सेंट्रेशन लूंगा उतना कम उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहेगा ये समझने में थोड़ा सा दिक्कत जाता है ठीक है ना इसका उल्टा करो तो मैंने मान लो ग्लास लिया ठीक है ना एक ग्लास लिया है और उसमें पानी लिया और उसमें कोई सॉल्ट डाल दिया कोई अमाउंट ऑफ सॉल्ट डाल दिया और यही मैंने अभी बकेट में किया एक बकेट लिया और उसमें मैंने सॉल्ट डाला ठीक है अब सॉल्ट कहाँ पे ज़्यादा घुलेगा ग्लास में या बकेट में बकेट में ज़्यादा घुलेगा ना क्यों क्योंकि ऑब्वियसली बकेट में कॉन्सेंट्रेशन कम है कॉन्सेंट्रेशन कम है इसलिए डिग्री ऑफ़ डिसोसिएशन उसका क्या रहेगा बढ़ेगा इजेंटेड तो कॉन्सेंट्रेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशनशिप कैसा है ज़्यादा uh, कैसा है इनवर्स इजेंटेड कॉन्सन्ट्रेशन अगर ज़्यादा रहेगा बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन तो उसमें जो चीज़ है वो ज़्यादा नहीं घुलेगी वो ज़्यादा डिसोसिएट नहीं होगी अगर मेरे को किसी चीज़ को ज़्यादा घुलाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा डाइल्यूट करूंगा तो वो डिसोसिएट ज़्यादा होगा अंडरस्टूड है क्या राइट सो इसेंशियली दिस रिलेशनशिप इज वॉट वॉट इज कॉल्ड एज ओसवाल्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन। ओके कॉन्सेंट्रेशन का और अल्फा का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का इनवर्स रिलेशनशिप है ओके okay. जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे अल्फा डिक्रीज होगा राइट right. और यू कैन से कि जैसे मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन ले लिया है बहुत ज़्यादा और उसमें उसको मैं डायल्यूट करते जा रहा हूँ अगर मैं डायल्यूट करते जा रहा हूँ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होते जाएगा बढ़ते जाएगा यू कैन सी दैट यस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज होते जाएगा अगर मैं उसको डायल्यूट करूँगा दिस इज क्वाइट नेचुरल ये अपन हमेशा देखते भी है ओके सो दिस इज वॉट इज कॉल्ड एज ओसवॉल्स लॉ ऑफ डायल्यूशन एज द कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनक्रीजेज और वाइस ए वर्स ओके okay? ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम्स में और ये अपने को आगे चैप्टर्स में भी आता हैल्सो स्टडी दिस इन वट इज कॉल्ड एज सोल्यूशंस चैप्टर ठीक है ट्वेल्थ में जो सोल्यूशन चैप्टर आता है उसमें भी हम इसको स्टडी करते हैं के ए इसको क्या बोलते हैं अपन डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिड बराबर है ये जितना ज़्यादा उतना स्ट्रांग एसिड ये जितना कम उतना वीक एसिड मतलब ये क्या देता है अपने को स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड समझ में आया ना सो फॉर एसिड दैट आये सिग्निफिकेंटली मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया तो उसका के ए कैसा रहेगा ज़्यादा रहेगा राइट right? अगर एसिड कम आयनाइज होता है तो उसका के ए कैसा रहेगा कम रहेगा समझ में आया जैसा पी एच अपन ने निकाला था वैसा ही अपन पी के ए भी निकाल सकते हैं बाय टेकिंग द नेगेटिव लॉग ऑफ के ए पी के ए के बारे में अपन ने बात किया है इफ़ यू रिमेंबर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी टॉक अबाउट पीके ए की एसिड और बेस इसका स्ट्रेंथ अपने को बताता है इनफैक्ट वी टॉक अबाउट एसिड बट इट इज आर ऑल्सो अपलीकेबल टू बेस ठीक है वी वी ऑल्स टॉक अबाउट पी के एज अ एज अ टर्म दैट इज़ बी यूज फॉर एसिड लेकिन काफ़ी अपन ने कंपाउंड्स देखे जो बेसिक भी थे उसके लिए भी हम पी के ए यही टर्म यूज़ करते हैं क्योंकि एक ही स्केल अपन यूज़ करना चाहते हैं थ्रू आउट राइट

ज़्यादा रहेगा अगर के ए ज़्यादा है तो पी के ए कैसा रहेगा कम रहेगा मतलब फॉर स्ट्रोंग एसिड इज गोइंग टू बी पी के इज गोइंग टू बी लो ओके इफ पी के इज स्मॉल के इज लार्ज और एसिड कैसा है स्ट्रोंग ओके okay? अगर पी के ज़्यादा है मतलब कि ए कम है डिसोसिएशन कम हो गया उसका अगर पी के ज़्यादा मतलब क्या हो गया उसका डिसोसिएशन ही कम है अगर डिसोसिएशन कम है तो ये एसिड कैसा रहेगा वीक रहेगा राइट सो स्ट्रांग एसिड के लिए कम पीके और वीक एसिड के लिए ज्यादा पीके है ओके okay. अल्फा और पीके ये दोनों क्या करते हैं अपन इट बेसिकली यूज एज अ मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड्स ठीक है ना? अल्फा एंड के ए दिस इज एक्चुअली बहुत लार्ज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड ओके दोनों के लिए कैसे होती वैल्यूज ज़्यादा होती है पीके ए की वैल्यू छोटी होती है ओके अल्फ़ा इज़ लार्ज एंड के इज़ लार्ज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड पी के इज़ एक्चुअली स्मॉल फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के लिए ये दोनों छोटी होती है लेकिन पीके कैसा होता है ज़्यादा होता है जैसा एसिड इक्विलिब्रिया है वैसे ही बेस इक्विलिब्रिया भी रहेगा दिस इज एग्जैक्टली द सेम इसमें कोई डिफरेंस नहीं है सिर्फ जैसे के ए अपन ने यूज़ किया तो उसके जगह अपन क्या यूज़ करेंगे बेसिकली वी कन यूज़ के बी ओके ए के जगह बी यूज़ करेंगे एच ए के जगह अपन बी माइनस यूज करेंगे समझ में आया कि नहीं ओके चेंजिंग फ्यू इट, बट एवरीथिंग एल्स इज सेम डेरिवेशन इज सेम एंड एवरीथिंग ऑल अंडरस्टैंडिंग इज सेम बेसिकली ओनली थिंग इज इंस्टेड ऑफ एसिड वी आर यूजिंग बेस सो ये रिएक्शन ले लो बेस की ठीक है बेस की रिएक्शन है बेस रिएक्ट विद वाटर यू गेट है ना उसका कॉन्चुकेट एसिड प्लस ओ एच माइनस आए इसके वजह से सोल्यूशन क्या हो गया अभी बेसिक हो गया ओके okay? इसका के बी का इक्वेशन अपन लिख सकते हैं राइट प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन वाटर अपन इंक्लूड नहीं कर रहे बिकॉज वाटर इज अ लिक्विड ओके तो उसको अपन नहीं करिए राइट एंड देन यू डिराइव दिस इक्वेशन इन द सेम मैनर ठीक है जैसे बी माइनस प्लस ऑब्वियसली वाटर का कॉन्सेंट्रेशन अपन लेते ही नहीं है क्योंकि इट्स अ लिक्विड एच बी प्लस ओ एच माइनस इनिशियल लिखो इनिशियल इनिशियल इसका क्या रहेगा सी ये आ, ये तो रहेगा ही नहीं ये ज़ीरो जीरो इसका ले रही नहीं अपन इज एक्चुअली वन ठीक है इक्विलिब्रियम कॉन्सनट्रेशन uh, अगर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा सी वन माइनस अल्फा ये हो जाएगा सी अल्फ़ा सी अल्फ़ा ये इतना तुम्हारा हो गया मतलब दिस इज बेसिकली हाफ द वर्क डन अब नेक्स्ट स्टेप रहता है तुम्हारा इक्विलिब्रियम का लॉ लिखो ओके okay? सो so, इक्विलिब्रियम के लिए अपन के भी लिखेंगे यहाँ पे ओके वी ऑलरेडी नो द इक्वेशन ओके सबके कॉन्सेंट्रेशन लिख दो एच का कॉन्सेंट्रेशन कितना है सी अल्फ़ा ओ का कॉन्सन्ट्रेशन क्या है सी अल्फ़ा B माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है सी वन माइनस अल्फा ओके एक एक सी कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा के बी इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा दैट इज योर के बी ठीक है तो केबी का ये कब यूज़ करोगे तुम सी अल्फ़ा स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस अल्फा ये यूज़ करो जब बेस इज मॉडरेटली स्ट्रांग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है मॉडरेट है इंटरमीडिएट है तो उस समय केबी निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज़ करोगे अल्फ़ा निकालने के लिए ये इक्वेशन यूज़ करोगे लेकिन अगर मान लो बेस बहुत वीक है ओके इट्स अ वेरी वीक बेस जनरली अपन इक्विलिब्रियम में यही बात करते हैं वीक बेस है बहुत ज़्यादा वीक बेस है तो उस केस में जो ये टर्म है वन माइनस अल्फा दैट बेसिकली बिकम्स इक्वल टू वन अल्फ़ा निगलेक्ट अपन कर रहे हैं अपन इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज अल्फा इज़ निग्लिजिबल इज इट? सो एज कम्पेयर टू वन इट इज़ निग्लिजिबल ध्यान में रखना इसलिए अपन ये टर्म जो है वो इग्नोर करेंगे सो वे वॉट विकेट इज़ के बी इज इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वेयर ठीक है और अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बी सी समझ में आया क्या सेम इक्वेशन है ना जो अपन ने इसके लिए निकाला था एसिड के लिए क्या निकाला था अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी और यहाँ पे क्या आ रहा है के बी सी क्लियर है ओके एंड सिमिलर टू पीके ए वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट पी के बी हालांकि अपन पीके बी बहुत ही कम यूज करते हैं बट यू नो इन न्यूमेरिकल यू कैन एक्चुअली गेट पी के बी ऑल्सो एंड द सेम वे ठीक है um, तो ये हो गया सो so, अल्फ़ा और पी के बी जो है ये अपने को मेजर ऑफ बेस के बारे में स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड की जगह बोलूँगा स्ट्रेंथ ऑफ वीक बेस बोलना पड़ेगा यहाँ पर ठीक है ना सो फॉर स्ट्रॉन्ग बेस के और के बी कैसा रहेगा स्ट्रॉन्ग बोले तो इज आर ऑल इन इक्विलिब्रियम बेस इज नॉट स्ट्रॉन्ग लाइक एन एच एज जस्ट स्ट्रांगर ठीक है स्टिल वीक बट इज स्ट्रांगर अ मॉडरेट तो उसके लिए क्या बोलेंगे अपन अल्फा एंड के बी इज़ लार्ज पी के बी इज स्मॉल और फॉर वीक बेसिस अल्फा एंड के बी स्मॉल पी के बी इज़ लार्ज ठीक है हालांकि वी डोंट एक्चुअली यूज पी के बी बिकॉज वी यूज पी के ए ये सबसे ज़्यादा कॉमन टर्म है अपने लिए ठीक है जो नेक्स्ट जो मतलब डेरीवेशन अपन देख रहे दैट इज ऑल्सो अक्रूशल डेरीवेशन ठीक है कॉन्जिगेट एसिड और बेस के लिए है बेसिकली मतलब कोई सेम एसिड ले रहे हो अपन जैसे कोई एसिड ले लिया सी एच थ्री सी ओ ओ एच ठीक है ना और इसका डिसोसिएशन आएगा इस तरह सा

और सी एच थ्री सी ओ माइनस प्लस एच टू ओ और ये एक अलग इक्विलिब्रियम सेट करेगा और ये देगा आपने को सी एच थ्री सी ओ ओ एच प्लस ओ एच माइनस ठीक है अब इसका एक्चुअल सिग्निफिकेंस अपन आगे देखेंगे यही दो इक्वेशंस अपन आगे लिखेंगे ओके okay? uh, और इसको अपन आगे डिस्कस करने वाले नो सी दिस अगेन फॉर नाउ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट देखो एसिड का डिसोसिएट हुआ और उसका कॉन्जुगेट बेस मिला और कॉन्जुगेट बेस ने क्या किया फिर से पानी में से हाइड्रोजन निकाला एसिड बना दिया और ये एसिड फिर से डिसोसिएट होगा तो ये एक इक्विलिब्रियम का एक साइकिल चल रहा है बेसिकली ओके एंड दिस होल सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम इज इट तो दो इक्विलिब्रिया एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी भी एसिड के लिए ठीक है वीक एसिड के लिए दो इक्विलिब्रिया ये जितना ज़्यादा वीक ये उतना ज्यादा स्ट्रांग ठीक है और ये जितना ज्यादा स्ट्रांग उतना ज्यादा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा ठीक है ये आगे भी अपन डिस्कस करने वाले हैं सो डोंट वरी अबाउट इट राइट नाउ जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ठीक है तो ये तो एसिड हो गया दिस इज बेसिकली बेसिक्वली ब्रियर इट तो एसिड के लिए मैं उसका के ए का लिख सकता हूँ और बेस के लिए मैं के बी का लिख सकता हूँ सिर्फ so, यहाँ पे जनरल जो टर्म्स मैंने यूज़ किए जैसे H प्लस तो H प्लस ही रहेगा पहले इसमें देखो H प्लस और सेकंड इसमें A माइनस की जगह अपन क्या यूज़ करेंगे एसिडिटा है ठीक है और थर्ड इज में एच ए के जगह एसिडिक एसिड यूज करेंगे ठीक है एंड वी कैन राइट द के ए इक्वेशन सिमिलरली बेस इक्वेलीवीरा जो है वहाँ पर भी अपन वही करेंगे दिस इज योर एसिड एसिडिक एसिड ठीक है Uh, ये ओ एच माइनस आयन तुम्हारा और ये तुम्हारा एसीटेट आयन राइट और ये बेस इक्वेलिब्रिया हो गया सो so, दो इक्वेलिब्रिया के दो के, -के एक के इक्वेशन अपन ने लिख दिया के के इक्वेशन मतलब के एन के बी के ओके सो दिस इज फॉर दिस इक्वेशन एंड दिस इज फॉर दैट इक्वेशन राइट एंड यू टेक दिस इक्वेशन एंड यू विल रियलाइज अ रिलेशनशिप इसको अगर थोड़ा सा अपन रीअडस्ट करते हैं तो यू कैन रियलाइज अ रिलेशनशिप अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट लेता हूँ ठीक है वॉट वी गेट इज़ अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ बेसिकली तो यहाँ पे देखो क्या करेगा के ए और के बी को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है ना इसेंशियली जो ए माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा ये भी कैंसल हो जाएगा तो बचा क्या है एच प्लस आई एन कॉन्सेंट्रेशन एंड ओ एच माइनस आई एन कॉन्सेंट्रेशन के ए टाइम्स के बी इज़ बेसिकली नथिंग बट आइनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के ए टाइम्स के बी इज़ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज वी नो कितना होता है

इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो कौन सा है ये इसका भी कोई डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट रहेगा उसको अपन के भी बोलेंगे मतलब किसी भी एसिड का कॉन्जुगेट एसिड का के ए और उसी के कॉन्जुगेट बेस का के बी ये दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट लेता हूँ तो आंसर आता है वन इंटू ट्वेंटी टू पॉ माइनस फोर्टी इट शुड बी लॉजिकल बिकॉज दे आर कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस दे आर जनरेटिंग द सेम अमाउंट ऑफ एच प्लस एंड मतलब यू नो उनका जो एच प्लस और ओ एच माइनस आयन है उनका प्रोडक्ट जो है वो टेन टू दर माइनस फोर्टीन आना ही चाहिए ठीक है सो दिस इज़ बेसिकली ध्यान में रखना वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप के टाइम्स के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू और राइट अगर मैं दोनों साइड में लॉग लेता हूँ दोनों साइड में लॉग लेता हूँ लेफ्ट साइड का लॉग राइट साइड का लॉग और इसको फिर सॉल्व करता हूँ तो जैसा आपने को पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल टू है ना इक्वल टू फोर्टीन आया था उसी तरह से पी के ए प्लस पी के बी इज इक्वल टू फोर्टीन मिलेगा किसी भी एसिड का तो ये एसिड का कोई पी के ए रहेगा और इस बेस का कोई पी के बी रहेगा बिकॉज दे आर कॉन्जुकेट एसिड एंड बेसिस ये दोनों का सम लिया इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी फोर्टीन ठीक है मेक श्योर sure कि तुम ये इक्वेशंस जो है वो एक पेज पे लिख लो सारे के सारे इंपॉर्टेंट वाले मतलब ये जैसे ये इक्वेशन हो गया ये इक्वेशन हो गया जो भी हाईलाइटेड इक्वेशन है ठीक है जो अपने को यूज़ करने पड़ते हैं एक पेज पर इनका रिलेशनशिप अच्छे से समझो ताकि ये ध्यान में रहेंगे अदरवाइज ये ध्यान में नहीं रहेंगे यू विल गेट कन्फ्यूज ओके ये मेमोराइज करना पड़ेगा तुमको इक्वेशंस मैंने डेरिवेशन तुमको दिया है समझा के भी बताया है जितना ज़्यादा तुम इसको रिव्यू करोगे रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा अच्छे से तुमको ये डेरिवेशन समझ में आएंगे ओके okay? सॉरी एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन वी टेक सोल्यूशन ठीक है कौन सा सोल्यूशन है जीरो पॉइंट जीरो जीरो एट मोलर एस्टोसो फोर सोल्यूशन है और इसका पी एच अपन मान के चलते हैं ठीक है और इसमें अपन कंप्लीट आयनाइजेशन अज्यूम कर रहे हैं ऑब्वियसली ठीक है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंप्लीट आयनाइजेशन इसका जो आयनाइजेशन रहेगा वो इस तरह से होगा अगर कंप्लीट आयनाइजेशन दिया है तो अपने को ये अज्यूम करना पड़ेगा सो so, इसेंशियली देखो ये अगर आ, वन लीटर लेता हूँ मैं सोल्यूशन ठीक है तो इसमें मोल्स कितने रहेंगे ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो एट मोल्स ठीक है इतने मोल्स मेरे हो गए एक लीटर अगर मैंने ले लिया है सोल्यूशन का तो H प्लस आयन के मोल्स कितने रहेंगे ओके टू टाइम्स ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो ज़ीरो एट मोल्स ठीक है हो गया मेरे को H प्लस आयन के मोल्स मिल गए मतलब मैं यहाँ से पी आसानी से निकाल सकता क्लियर है क्या सो दिस इज़ वेरी इजी फॉर मी टू डू दैट देखो मोल्स का कॉन्सेप्ट अगर यूज करें तो बहुत आसानी से तुम्हारा पी निकल है यहां okay? so, यहां रहा है यहाँ पे ओके सो यहाँ पे एच प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो वन सिक्स मोलर ठीक है दैट इज द एच प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन और पी एच इज इक्वल टू वन पॉइंट एट उसके इसमें ठीक है वेरी इजी प्रॉब्लम अब यही एग्जाम्पल हम लोग यूज रिपीट करते हैं बाई यूजिंग अ स्लाइटली डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वन इंटू टेन टू द पावर माइनस एटीन मोलर ये कॉन्सन्ट्रेशन लेते हैं एच टू एस ओ फोर का सॉरी वन इंटू टेन टू द पावर माइनस एट मोल ये कॉन्सन्ट्रेशन लेते हैं एच टू एस ओ फोर का ठीक है कितना कॉन्सन्ट्रेशन लिया है बहुत कम टेन टू द पावर माइनस एट मोलर ठीक है और अगर मैं पी एच निकालता हूँ इस केस में राइट इट्स वेरी वीक अगर मैं पी एच निकालता ठीक है ये जो है इतना मोल लिया है इट इज़ गोइंग टू बी टू इंटू टेन टू द पावर माइनस एटीन कोई फर्क नहीं पड़ेगा एजेंट एट टू इंटू टेन दोबारा माइनस फोर ये हो गया तुम्हारा एच प्लस एन कॉन्सन्ट्रेशन यूजिंग द सेम लॉजिक है ट्वाइस टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना एस टी सो फोर के लिए राइट फॉर वन लीटर सो ये आएगा और उसका पी एच अगर मैं निकालता हूँ तो पी एच कम्स आउट टू बी अबाउट सेवन पॉइंट सेवन दिस इज सरप्राइजिंग एजेंट इट सेवन पॉइंट सेवन बोले तो ये सोल्यूशन कैसा हो गया बेसिक हाउ इज इट पॉसिबल मैंने तो एसिड डाला है ना पानी में भले ही बहुत कम डाला है बहुत डायलूट सोल्यूशन है बहुत वीक सोल्यूशन है एसिड का बट इट्स अ एसिडिक सोल्यूशन इज इट इट लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है बेसिक इज इट तो ये ऐसा क्यों आता है ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ओके बिकॉज वी डोंट एक्चुअली हैव टाइम टू कंटिन्यू विद दैट ओके दिस इज समथिंग डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास वाई डू वी गेट दिस कैन आंसर ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे ओके okay? कोई डाउट है तो पूछ लो इफ नॉट Then you guys can leave, and I will see you in the next class. Okay, thank you very much. Bye bye.